मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नया मंत्रिमंडल इस बार पहले से कई मायनों में अलग होगा। इस मंत्रिमंडल पर मिशन 2024 की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। टीम योगी का हिस्सा बनने वाले चेहरों के जरिए पार्टी मिशन 2024 के लिए क्षेत्रीय संतुलन के साथ ही सामाजिक समीकरणों को साधने का भी प्रयास करेगी। प्रशासनिक अनुभव वाले कुछ चेहरे भी इस बार मंत्रिमंडल में दिखाई दे सकते हैं। कोशिश होगी कि विधानसभा चुनाव में जहां जहां भी पार्टी की स्थिति 2017 की तुलना में कमजोर हुई है वहां प्रतिनिधित्व देकर उसे मजबूत किया जाए। सीएम योगी, पीएम नरेंद्र मोदी सहित पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं से मुलाकात और आभार प्रदर्शन के बाद सोमवार की शाम लखनऊ लौट आए हैं। नई सरकार के स्वरूप को लेकर दिल्ली दरबार में मंत्रणा हो चुकी है। अब देखना ये है कि तय किए गए सांचे में कौन कौन से चेहरे फिट होते हैं। यूं तो मंत्री बनने को लेकर विधायकों ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक दौड़ लगाई है। काम बन जाए इसलिए तमाम प्रयास और पूजा पाठ का भी सहारा ले रहे हैं। सोमवार को भी भाजपा कार्यालय में दिन भर विधायकों का तांता लगा रहा। नई टीम में ब्रिज क्षेत्र, मथुरा, आगरा, एटा, बदायूं, देवरिया और हाथरस जिलों को प्रतिनिधित्व मिल सकता है। वहीं पश्चिम क्षेत्र में मेरठ को भी मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिल सकता है। इसी तरह सहारनपुर, शाहजहांपुर, बरेली का भी प्रतिनिधित्व दिखेगा। कानपुर और गोरखपुर क्षेत्र, बलिया, फतेहपुर, काशी क्षेत्र से भी कई चेहरों को जगह मिल सकती है। लखनऊ और इलाहाबाद मंडल से फिर कई चेहरे मंत्रिमंडल में आपको दिख सकते हैं। 2017 में योगी मंत्रिमंडल में 60 मंत्री थे। उस वक्त 41 जिलों के नेताओं को मंत्री बनाया गया था। पिछली बार पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी को लगभग बराबर का प्रतिनिधित्व मिला था। सबसे ज्यादा 6 मंत्री लखनऊ से बनाए गए थे। प्रयागराज से 3, वाराणसी से 3, शाहजहांपुर, मथुरा, आगरा और फतेहपुर से 2-2 मंत्री बनाए गए थे। दूसरी ओर पार्टी में जीते गए विधायकों को लेकर क्षेत्रवार और जातीय आधार पर आकलन किया जा रहा है। पूर्वांचल के कई इलाकों के साथ ही पश्चिम पर भी इस बार खास फोकस रहेगा। पहली सरकार में बेहतर प्रदर्शन न करने वाले कई चेहरों को बदलने की चर्चा तो रही, लेकिन पार्टी ने चुनाव से पहले कोई जोखिम नहीं लिया। हालांकि नवंबर में जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कई चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह जरूर दी गई। नई टीम में खराब परफॉर्मेंस वाले चेहरे रिपीट नहीं होंगे।